कोविड की दूसरी लहर हिमाचल में प्रवेश कर चुकी है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। सोलन के कंडाघाट में भी जिला प्रशासन द्वारा एक जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें कंडाघाट के नायब तहसीलदार सत्यव्रत शर्मा द्वारा लोगों को ये बताने का प्रयास किया गया कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए कोरोना के नियम जरूर अपनाएं। उन्हें ये भी बताया गया कि कोरोना की लहर पहले से भी अधिक खतरनाक है, इसलिए इसमें पहले से ही अधिक सावधानी रखने की आवश्यकता है। अधिक जानकारी देते हुए नायब तहसीलदार सत्यव्रत शर्मा ने कहा कि उच्च अधिकारियों के आदेश पर उनके द्वारा शहर का भ्रमण किया गया, जहां बाजार में पाया गया कि कंडाघाटवासी मास्क नहीं लगा रहे। मास्क उनकी जेब में तो है, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए मुंह पर नहीं लगा रहे, जिसके चलते आज उन्हें चेतावनी देकर छोड़ा गया। अगली बार अगर वे बिना मास्क के दिखेंगे तो उन पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि केवल लोगों को जागरूक किया गया और बताया गया कि कोरोना कितना खतरनाक हो चुका है। महोदय, सोलन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार वो मंडलाधिकारी नागरिक कंडाघाट ने जो हमें आदेश दिए थे कि भी आज कोविड 19 को ध्यान दृष्टिगत रखते हुए जो कोविड की दूसरी लहर चल रही है उसके अंतर्गत पूरे बाजार का भ्रमण किया जाए, औचक निरीक्षण किया जाए और लोगों को जागरूक किया जाए कि वो उचित दूरी बनाकर रखें, मास्क को पहन कर रखें। और इसके बावजूद भी अगर जनता जो है उसका ध्यान नहीं रखती है प्रशासन के दिशा निर्देशों का, तो प्रशासन को सख्त कदम भी उठाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। तो अभी आज हमने पूरे बाजार का भ्रमण किया, उसमें सभी को जागरूक करते हुए, और उसमें विशेषकर व्यापार मंडल के सभी दुकानदार थे, आम जनता में जहाँ पे आवाजाही है बसों की, बस स्टॉप पर, और विद्यार्थी वर्ग को भी समझाया गया कि वे प्रॉपर मास्क पहने। आज हमने पाया कि मास्क तो लोगों ने पहने हुए नहीं है, लेकिन उनको जेब में रखा हुआ था, तो उनको ये दिशा निर्देश दिए गए कि वो प्रॉपर मास्क को पहन कर रखें, उचित दूरी बना कर रखें और कोविड महामारी के दूसरे जो लहर है उससे अपने को और समाज को बचा कर रखें।